सड़क साड़ी जिंदगी का अहम हिस्सा है। सड़क के राही ही एक पिंड तो दूसरे पिंड या फिर एक शहर तो दूसरे शहर तक जाया जाता है। पर अज असी थोनों एक अजिहे खूबसूरत पिंड के बारे दसन जा रहे हैं जिस पिंड दे विच सड़क नहीं हैं अते ना ही इतों के रहने वाले लोग अपने कोल बाइक मोटरसाइकिल या फिर कार रखते ने। जी हाँ, यूरोपी देश नीदरलैंड दे विच एक अजिहा पिंड है जिथे सड़क नहीं हैं। इस पिंड नू दुनिया का सब तो खूबसूरत पिंड भी मनिया जाता है। जेकर इस पिंड के नाँ की गल करिए इस पिंड का नाँ है गायथोन। लखां दे विच इस पिंड नू घूमण दे लई सैलानी आउंदे ने। इस पिंड नू दखण दा वेनिस भी कहा जाता है। इस पिंड की सब तो वड्डी खासियत यह है कि पूरा पिंड नहरां दे नाल घिरिया होया है। इस पिंड च थोनू एक भी कार जां बाइक देखण नू नहीं मिलेगी क्योंकि इस पिंड दे विच एक भी सड़क नहीं है। इस पिंड दे विच बाइक जां गड्डियां ना होण कारण इत्थों दे लोक किश्ती राहीं सफर करदे ने क्योंकि पूरे पिंड दे विच गलियां दी थां नहरां ही वगदियां ने। इन्हां नहरां दे विच इलैक्ट्रिक मोटर दे नाल किश्तियां चलदियां ने अते घट रौला होण कारण लोकां नू शिकायत भी नहीं रहिंदी। नहरां दे एक किनारे तो दूसरे किनारे ते जाण दे लई नहर दे उपर लक्कड़ दे पुल बनाए गए ने जिन्हां नू कि तुसीं तस्वीरां दे विच भी देख सकते हो। इत्थों दी कुदरती सुंदरता अते शांति किसे नू भी अपना दीवाना बना सकती है। सैलानी इस नू वेनिस ऑफ द दखण जां नीदरलैंड दा वेनिस दे वजों भी जाणदे ने। सैलानियों नू अपनियां कारां पिंड दे बाहर वार ही पार्क करनियां पैंदियां ने। एम्स्टरडैम शहर तो लगभग दे घंटे दी ड्राइविंग तो बाद इस पिंड दे विच पहुंचिया जा सकता है। पिंड दे अंदर पैदल भी घूमिया जा सकता है। तुसी किराए दी डोंगी जां साइकिल राही भी इत्थे सफर कर सकते हो। इत्थे ट्रांसपोर्ट दी सब तो मशहूर शैली पुंटर है जो थोनू रोमांच दा अनुभव कराएगी। जेकर इस पिंड दी गल करिए तां गायथोन पिंड वियरबिनबेन विडेन नैशनल पार्क दे मध्य दे विच स्थित है। सब तो पहला इत्थे फ्रांसिस्कन भिक्षु वसे सन। फ्रांसिस्कन भिक्षु इत्थे 13वीं सदी दे विच आए सन ते उन्होंने ही आवाजाई दे लई इत्थे नहरां बनाईयां सन। दस्या जांदा है कि साल 1170 दे विच भयानक हड़ वी आया जिस कारण इत्थे इन्ना पानी आ गया। उस तो बाद साल 1230 दे विच इस पिंड की स्थापना हुई। सड़कां ना होण कारण इत्थों दे लोक कार जां मोटरसाइकिल की वरतों नहीं करते, इसलिए इत्थे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है। सब तो वड्डा कारण यही है कि प्रदूषण ना होने करके पिंड दुनिया का सब तो खूबसूरत पिंड मनिया जाता है। इस पिंड की जेकर आबादी की गल करिए इस पिंड दे विच करीब 3000 लोग रहते हैं। इत्थे अजे भी कोई सड़क नहीं है अते दिन का ज़्यादातर समा काफ़ी शांतिपूर्ण होता है। गायथोन के बहुत सारे वसनीक निजी टापुआ ते रहिंदे ने ते नहरां दे राही आवाजाई दे लई साइलेंट मोटरां वालियां डोंगी जां छोटियां किश्तियां दी वरतों करदे ने। अते तस्वीरां दे विच तुसीं देख भी सकते हो कि जदों सैलानी भी इस पिंड नूं देखण जां फिर इत्थे घूमण दे लई आउंदे ने तां ओह वी किश्तियां राही इस पिंड दी खूबसूरती दा लुत्फ उठाउंदे ने। पर जेकर इस पिंड दी गल करिए तां वाकिया दे विच अजीबो गरीब पिंड भी है पर नाल दे नाल दुनिया का सब तो खूबसूरत पिंड भी है जिथे ना तो सड़क ने अते ना ही लोग इत्थे अपने घर के बाहर बाइक या फिर कारां रखते हैं।